भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक पढ़ना। आप ऐसे कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन है, और कितने के स्मार्टफोन में प्रभुपाद की किताब है। क्योंकि आजकल श्लोक को बोर्ड में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ जेब में भागवत में। किसने सोचा था एक दिन आएगा जब आप प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को जेब में उठा सकोगे। किसने सोचा था 10 साल पहले। अहम kṛta-viśrambhaḥ su-hṛdo tapasvinām sampṛcche bhava etasmin kṣemaḥ kenāñjasā bhavet tadaṁ kṛta-viśrambhaḥ su-hṛdo tapasvinām sampṛcche bhava etasmin kṣemaḥ kenāñjasā bhavet tadaṁ kṛta-viśrambhaḥ su-hṛdo tapasvinām sampṛcche bhava etasmin kṣemaḥ kenāñjasā bhavet tadaṁ kṛta-viśrambhaḥ su-hṛdo tapasvinām sampṛcche bhava etasmin kṣemaḥ kenāñjasā bhavet। Krishna Krishna Parati मित्र वा हमारा तपस्वी
tapasvinām bhavet kashta sahne wale sampṛcche poochna chahta hu bhave is sansar mein etasmin yah kṣemaḥ antim vastuta kalyan kenāñjasā kis vidhi se añjasā avilam bhave prapt kiya ja sakta hai. Main poorn roop se aashvast hu ki aap jaise mahapurush is sansar ki agni mein santapt hone wale vyaktiyon ke ek matra mitra hai. Atah main aap se poochna chahta hu ki is sansar mein हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं. कृपया पीछे बढ़िए. मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र है. अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं. जब साधु द्वार द्वार जाकर उन व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो संसारिकता में बहुत अधिक लगे हुए हैं, तो यह समझना चाहिए कि वे किसी व्यक्तिगत लाभ से ऐसा नहीं करते. यह तथ्य है कि साधु पुरुष भौतिकतावादी व्यक्तियों के पास वास्तविक कुशल क्षेम के विषय में बताने के लिए जाते हैं. महाराज पृथु को इस बात का पूरा पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने कुमारों से उनका कुशल पूछकर समय का अपव्यय करने के बजाय उनसे यह जानना उचित समझा कि क्या इस संसार की विषम परिस्थिति से किसी प्रकार उबरा जा सकता है. फिर भी यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न ना था. यह प्रश्न तो सामान्य जनों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया था कि जब भी उनकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो तो वे तुरंत उनकी शरण में जाएं और संसारिक ताकों से उबरने का उपाय पूछें. अतः श्री लोकनाथ ठाकुर कहते हैं, संसार विषा मेरे दीवा निशि हिया ज्वले जुड़ाई देना कहीं उपाय. हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम इनसे उबरने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते. भौतिकतावादी व्यक्ति को तपस्वी भी कहा जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नित्य भौतिक तापों को सहता रहता है. उसे इन भौतिक तापों से भी से तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह हरे कृष्ण मंत्र संकीर्तन की शरण ले. इसकी व्याख्या नरोत्तम दास ठाकुर ने भी की है. गुरु मेरे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्म के लिए ताए. उन्हें इसका पश्चाताप था कि वे हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य ध्वनि के प्रति जो आकर्षण है उसका अनुसरण नहीं कर पाए. निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संसार के सभी व्यक्ति भौतिक तापों से पीड़ित हैं, और यदि कोई इनसे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे साधु पुरुषों या ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए. और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए. भौतिकता वाले व्यक्तियों के लिए एक मार्ग यही शुभ मार्ग है. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ध्यान से सुना अनिवार्य तत्पर है. ओम ज्ञान त्रिविंदस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
etad aham kṛta-viśrambhaḥ, su-hṛdo tapasvinām, sampṛcche bhava, etasmin, kṣemaḥ kenāñjasā bhavet. बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है. प्रभु जी का तात्पर्य भी बड़ा सुंदर था. तो इस श्लोक का उच्चारण पृथु महाराज कर रहे हैं. आप सब परिचित हो पृथु महाराज से. पृथु महाराज की शिक्षा आप भगवान के 44 करने में प्राप्त करते हो. वैसे तो वो शख्स हमेशा अवतार है. और इस अध्याय में आपने देखा है कि पृथु महाराज ने कुमारस का बड़े आदर के साथ स्वागत किया. कुमार जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें संतान बढ़ाने के लिए. तो कुमार की कोई रुचि नहीं थी. कुमार की ऐसे जीवन में प्रवेश करने की कोई रुचि नहीं थी. कई बार ये आप देखते हो कि दक्ष के पुत्र 10,000 पुत्र थे. दक्ष की इच्छा थी वो भी ऐसा आश्रम में उन्होंने राधा मुनि के शिक्षा के प्रभाव में आ गए थे. तो कुमार ने इच्छा नहीं थी कि योगी ऐसा आश्रम में रहे और अपनी योगी शक्ति द्वारा शरीर को बड़ा होने से हो गया. और ये कुमार हैं ब्रह्मा के पुत्र. वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते जाते थे. तो पृथ्वी महाराज ऐसे हमने कहा थे. और ये कुमार उनके यज्ञ में आए तो उन्होंने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया. उनके चरण धोए और उस जल को सब खानदान के हृदय से फेंका. तो इस अध्याय में आप ये भी पढ़ते हो कि संतों का स्वागत कैसे किया जाता है. संतों का स्वागत आदर के साथ. आप भगवान सुदामा की कथा में पढ़ते हो. जब सुदामा द्वारका गए भगवान ने भी बड़े आदर से उनका स्वागत किया. तो इस अध्याय में कहा गया है कि जो घर जिस घर में संतों का स्वागत नहीं हो. ये कई कई स्थानों में संतों मंदिर आने नहीं देते. जैसे वो देखते हैं कोई साधु खड़ा है गेट में कहते हैं बोलो साहब घर में नहीं है. तो भगवत में कहा गया है जिस घर में भक्तों का स्वागत नहीं हो उस घर में ऐसे पेड़ में सांप रहते हैं. सांप रहते हैं अत्यंत भाग्यशाली. और भाग्यशाली वो है क्योंकि संतों का स्वागत करता है. संतों से शिक्षा की इच्छा रख रहा है. तो यहाँ पढ़ते हो कि पृथ्वीराज ने बड़े आदर के साथ महाराज का स्वागत किया. और इस श्लोक में पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मेरे में पूरा विश्वास है कि आप जैसे जो भक्त हैं वो केवल यात्रा करते हैं. क्यों? भौतिक भौतिकों का उद्धार करने के लिए जो कि जल्दी आग में जुड़े हुए हैं और परीक्षण. और पृथ्वीराज का क्या प्रश्न है कि बताइए किस प्रकार हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं कर सकते हैं जो कि भौतिक संसार में पीड़ित स्थिति में निवास कर रहे हैं. इस श्लोक में आपने तपस्वी शब्द
सुना होगा। वैसे तो तपस्वी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि आध्यात्मिक जीवन में तपस्या का पालन भी आवश्यक है, पर तपस्या परम ज्योति भगवत मधोक्ष जो परम भगवान अधोक्ष जय है उन्हें समझना आसान नहीं, पर तपस्या के माध्यम से आप समझ सकते हो। पर इस श्लोक में तपस्वी शब्द का कुछ और अर्थ है। इस श्लोक में जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो भौतिक स्थिति में संघर्ष कर रहा है, रहना है, उसे भी तपस्वी कहा गया है। क्योंकि देखा जाए भौतिक समाज में कष्ट ही कष्ट है, ब्लेजिंग फायर, आग जल रही है। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, खा रहे हैं चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, आप कष्टों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। हम अज्ञानता में सोचते हैं कि अगर किसी प्रकार से भौतिक सुविधा प्राप्त हो जाए ये होगा आखिरी सब। तो चाहे आप अरबपति भी बन जाओ, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं करो आप असली सुख आप नहीं कर सकते। तो पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं, जो संत आप जैसे संत हो वो केवल एक ही भाव रखते हैं कि लोगों को असली सुख पहुँचाना। और पृथ्वी महाराज ने कहा कि आप मुझे ये शिक्षा दीजिए कि जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सके। पृथ्वी महाराज अज्ञानता में नहीं है, पृथ्वीराज जैसे हमने कहा कृता-विśrambhaḥ है, वो जब भी वो कह रहे हैं हमें ये शिक्षा दीजिए। अर्जुन भगवान के सनातन साथी है, कोई प्रश्न नहीं उठता जो अज्ञानता में हो। अब भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला क्यों, कि गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकें हमारे भलाई के लिए। उसी प्रकार आप देखते हो परीक्षित महाराज ने भी पूछा इस व्यक्ति का अंत आने वाला है, मुझे क्या करना है। परीक्षित महाराज की तरफ सुरक्षा भगवान ने की थी, वो माता के घर में थे। सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद मुनि से, ये बताइए कि किस प्रकार हम जैसे गृहस्थ जो हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा दूसरों की भलाई के। तो उसी प्रकार पृथ्वी महाराज के पास पूरा ज्ञान है, जब भी जो वो मिले इन्हें उन्हें क्या कहा, आपके बगैर के हमें शिक्षा दो कि किस प्रकार जो भौतिकवादी लोग भौतिक संसार के कष्ट जल रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, किस प्रकार वो असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी संत को मिलो तो हमें ये पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार इस भौतिक वातावरण से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रीतम राज ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम सबकी भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए वो पूछ रहे हैं कैसे असली सुख प्राप्त कर सकते हो, कैसे कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। रूप और सनातन एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, समाज में उनको बहुत आदर दिया जाता था। पर जो चैतन्य महाप्रभु को मिले राम अकेले में, उन्होंने क्या, समाज में हमें बड़ा आदर दिया जाता है पर हम ये भी जानते हैं कि हम हैं कौन के हमें। तो संतों का कर्तव्य यह है कि वो हर जगह भगवान का अपनी संदेश दें। और इस आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से ही हम सुखी बन सकते हैं,
आए आप क्या देखते हो, आप बड़ी बड़ी मोटरों को देखते हो सड़कों में, बड़ी बड़ी कोठियाँ आप सोचते हो गए, जो इस बड़ी कोठी में रहता है वो अत्यंत सुखी है, जो बड़ी मोटर चला रहा है तो कितना खूबसूरत स्त्री है, ये होएंगे एक सबसे खूबसूरत। और ये भौतिक संसार एक बड़ा जेल खाना, और अगर हम जेल खाने से मुक्त होना चाहें तो क्या है, ये दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद अनेक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो संत हैं वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में, केवल एक भाव से। क्या है वो भाव? लोगों को किसी प्रकार से अध्यात्मिकता में जोड़ने के। जैसे कल ऊपर से मैं रथ यात्रा में देख रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं रथ में था, किस प्रकार हमारे भक्त एक मोटर से दूसरी मोटर को जा रहे थे, है ना, एक घर से दूसरे घर के बजे एक मोटर से दूसरे, और कई मोटर में गए। मैं देख रहा था ऊपर से भक्त बड़े श्रद्धा से प्रयास प्रचार करें पर उनकी कोई रुचि नहीं, पर कईयों की रुचि थी भी। अगर कईयों की रुचि नहीं होती तो 4,000 गीता तो पाठ करते थे। हालांकि कईयों को आपने रोका और आपने देखा, कईयों को आपने रोका, उन्होंने आपको आपका साथ नहीं दिया, है ना। कई बार मैं देख रहा था लोग शीशा भी नहीं खोल रहे थे, जब आप मोटर से मोटर जाते हो कई जगह तो शीशा खोल देते। मैंने देखा भक्त एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में घुसे कहते प्रचार, तो भक्त यहाँ लिखा है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो उसका अर्थ है आप लोग एक मोटर से मोटर में जा रहे, और कईयों ने साथ दिया कईयों ने साथ नहीं दिया। कई बार भक्त कहते हैं मुझे अगर तो किताबें तेजी से बिकी तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है, और जब देखते हैं इतना समय प्रयास कर रहे हैं वो किताबें नहीं बिकती हैं तो उत्साह कम हो जाता है। तो हमें हर स्थिति में उत्साहित रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंदा को बुला कर कहा, हरिदास और नित्यानंदा घर घर जाओ, लोगों को संदेश दो, क्या बोलो, कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिष्य, कृष्ण का नाम लो। आप लोग भी यही कह रहे थे, भगवद्गीता में है क्या, श्री भगवान वचा फल भगवान बोल रहे हैं, आप लोग भी गीता बांट रहे थे यही संदेश दिया, कृष्ण का नाम लो, उनके शिक्षक को अपनाओ, उनकी उपासना करो। तो जब नित्यानंद हरिदास को प्रचार कर रहे थे कई घरों में हो गए, लोगों ने बड़े आदर से स्वागत किया, सद महात्मा आ गए हमारे घर को पवित्र बनाने के, बताओ आपका क्या संदेश है, वो संदेश बना देते पक्का हम पालन करेंगे। कई घरों में गए लोगों ने बोला हमारी तो पागल है, दूसरों को भी पागल बना देगा, जाओ यहाँ से। हिमाई को कई लोग पागल समझते थे और कई ने उनके सम कितना नवरों का विरोध किया, मुसलमानों ने तो विरोध किया क्योंकि मुसलमान लोगों ने देखा ये हरिनाम को नहीं रोकेंगे तो पूरा समाज हिंदू बन जाएगा। तो एक मुसलमान था जो बार बार जाके काजी को कहता था कि भाई के सब इतने आंदोलन को रोको, ये तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे।
तो ताजी ने कहा तुम बार बार आकर शिकायत करते हो और मैं जब भी देखता हूँ तुम्हें हरिनाम का उच्चारण कर रहे हो, ये क्या है? एक तरह से शिकायत करते हो, एक तरह से जाप करते हो। तो उसने कहा कि जब से मैंने ये हरिनाम सुना है ये जीप से नहीं निकलता। और जो हिंदू थे, जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, जो यज्ञ वगैरह के द्वारा धन कमा रहे थे, उन्होंने भी शिकायत की। क्यों? उनकी आमदन कम हो गई, हरिनाम की तो कोई कीमत नहीं है। तो जब आप प्रचार करते हो सब साथ नहीं देंगे। तो जब इतने दिन हरिदास घर घर जा रहे थे, कईयों ने तो साथ दिया, कईयों ने कहा ये तो पागल है, कईयों ने इतना तक कहा ये है जासूस, सन्यासी के वस्त्रों में देखने आए हैं क्या है घर में, और बाद में आएंगे चुराने के लिए। और कईयों ने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सबके दिन आंदोलन आरम्भ किया ना शिव संगन में, सब भक्तों को अंदर आने किया अधिकार नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वहाँ अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, कई को अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो कई ने कहा हमने जब प्रवेश प्रयास किया तुम्हारे कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए, तुमने आने नहीं दिया, तो हमें तुम्हें आने नहीं देंगे, भागो। तो आप भक्तों का भी अनुभव इसी प्रकार का था, कईयों ने तो आपका साथ दिया है ना, अगर साथ नहीं देते तो 3,800 गीत आप थोड़ी दो दिन में पार सकते थे। और कईयों ने आपको दरवाज़ा भी नहीं खोला गाड़ी का, कईयों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, कईयों ने शायद आपकी निंदा भी की होगी, हाँ आ जाते हो हर साल कई उन्हें कहेगा हम तो राह देखते ही हैं, रास्ते आता कवाएगी तो भक्त मिलेंगे रास्ते में। तो जब हम प्रचार करते हैं ये नहीं कि हर व्यक्ति साथ देगा, कोई देगा कोई नहीं देगा, हमारा उत्साह रहना चाहिए। गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय उत्साह रहना चाहिए। तो तो यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि जो संत महात्मा हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं केवल इसी उद्देश्य के साथ कि हम ज्ञान लें। वैसे तो साधारण समाज में अगर कोई आपको निमंत्रण दे तो ही आप उसके घर जाते हैं ना, हम सोचते हैं हम क्यों जाएं, उन्होंने हमको बुलाया नहीं। तो जो संत है बिना बुलाए पहुंच जाता है, जैसे नारद मुनि ने देखा महाराज पचीना बड़ेश्वर, उनके बेटे हैं, उनके बेटे तपस्या कर रहे हैं और बाप बहन में रहकर हर प्रकार का नेतृत्व का कार्य कर रहे हैं। तो बिना बुलाए नारद मुनि महल में पहुंच गए और नारद मुनि ने संदेश देना शुरू किया। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था, उन्होंने निर्णय किया मैं भगवान को खोजने जाऊंगा। भगवान को खोजने जा रहे थे, नारद मुनि बिना बुलाए पहुंच गए, है कि नहीं? और उन्होंने शिक्षा दी। तो जो भक्त है कि वो ये राह नहीं देख रहा, कोई बुलाएगा तो ही मैं जाऊँगा, बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। अगर हम राह देखें कौन बुलाएगा, जब हम जाएंगे सड़क में तो आपको चल सारा ऐसे करना पड़ेगा, हम बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या कि जो जवाब आप संत को मिलो, अक्सर हम जब संत को मिलते हैं हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद लो,
आशीर्वाद किस कार्य के लिए? आशीर्वाद हो किस कार्य के लिए? कि हमें कोई भौतिक सुविधा मिले, धन कमाने के लिए। जब आप किसी संत को मिलो तो हमें क्या पूछना चाहिए? हमें ये पूछना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, किस प्रकार हमें कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते थे सुचेत तो विमुख था, चेत से निर्यार था। तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार भौतिक वाले व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे दुख होता है, आज क्या हो रहा है समाज में? समाज में यही प्रयास हो रहा है। आपके बाल गिर रहे हैं तो आप नकली बाल लगा लो, आपकी आँखें कमजोर हो रही हैं अब दिखाना नहीं चाहते, अब चश्मा पहनते हो, कॉन्टैक्ट लेंस पहन लो, कान में सुनने में तकलीफ आ रही है तो हियरिंग एड पहन लो, इतना छोटा कोई देख भी नहीं सकता। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि भौतिक संसार में कष्ट ही कष्ट है, और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की भूख होनी चाहिए। संतों से मिले तो ये पूछो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा किस प्रकार जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अब भौतिक वाणी को कहा गया है तपस्वी, क्यों? अगर आप ध्यान से देखो इस भौतिक समाज में अनेक प्रकार के कष्ट है। उदाहरण के लिए दिल्ली और पूरे उत्तर भारत, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली में खास करके सारे विश्व में सबसे अधिक पोल्यूशन है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी चीज में तो दिल्ली नंबर एक है और पूरा उत्तर भारत। तो अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते, 25 सिगरेट दिन में पीने का असर पड़ता है, आप भी शादी के हुआ, ये तपस्वान तपस्वी नहीं, ये भी तपस्या है। तो आध्यात्मिक जीवन में हम तपस्या का पालन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और भौतिक जीवन में जबरदस्ती हमें तपस्या उठानी पड़ती। कई बार बॉम्बे वगैरह में देखते हो लोग दो दो घंटे की यात्रा करते हैं दफ्तर जाने के लिए, फिर दो घंटे की यात्रा वापस आने के लिए, ये भी तपस्या है, ठीक है? तो देखा जाए हम सब खुशी की खोज में, भौतिक संसार में क्या है? तपस्या, एक कष्ट के बारे में। तो प्रभु जी कह रहे हैं हमें संतों की संगत का लाभ उठाना जाए, ये विषय संतों की संगत, इस विषय की चर्चा अनेक श्लोकों में की गई है। आप लगभग हर दूसरे तीसरे तात्पर्य में इस विषय में पढ़ते हो, संतों की संगत। क्यों? क्योंकि शुद्ध संतों की संगत के बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शुद्ध भक्तों की संगत रखोगे आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा गया है साधु संग, साधु संग साधु साधु संग, यह सारे वैदिक शास्त्रों का साथ। प्रभा जी अमेरिका गए 1965 में, और प्रभा जी के जाने से पहले भी अनेक संत महात्मा गए थे, पर जब से भगवद गीता प्रकाशित हुई, भगवद गीता यथार्थ, हजारों लोग जुड़े। ये साधु संगत है, इसके दो माध्यम हैं। एक है पीछे सुनाई दे रहा है, एक है संत साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।
अनेक व्यक्ति हैं जो जुड़े हैं संसार के साथ ग्रंथों के प्रभाव के द्वारा. किसने ग्रंथ दिया, मैं एक अहमदाबाद में था कुछ दिन पहले, एक बार के घर में था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मैं पर कैसे बने, काफ़ी बड़ा व्यापारी है, कह रहा था मुझे किसी ने लाइफ में बनाया है, एक ग्रंथ दिया, वो ग्रंथ को मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैं मंदिर गया और ग्रंथ के माध्यम से बने. एक वक्त मैंने कल ही पूछा था मैं कैसे बने, उसने कहा विदेश से उसके रिश्तेदार ने एक बैग गॉर्डन मैगजीन भेजी थी, वो मैगजीन गॉर्डन मैगजीन पढ़ा, उसके द्वारा रुचि बढ़ी, फिर भगवान ने. तो अनेक उदाहरण है. भक्त साधु की संगत में आओगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, असली ज्ञान. प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार किया, ऐसे ऐसे लोग मिले. फिर प्रभुपाद जी रशिया गए, चार दिन के और वहाँ चार दिन के उनके द्वारा एक रशियन भक्त बना, उसने आगे प्रचार करके हजारों को जोड़ा कृष्ण भक्ति में. तो साधु संगत बहुत आवश्यक है. चैतन्य महाप्रभु ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, उन्होंने कहा कि पांच चीज में सबसे जरूरी है, जिनमें सबसे पहले क्या था, साधु संगत. तो हमारी योजना रहनी चाहिए यानी साधु संगत प्राप्त होते जाए, और साधुओं की संगत से जुदा हो जाओगे ये भक्त के लिए एक कष्ट की स्थिति है. चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, रामानंद रॉय को मिले, उनसे अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न था सबसे कठिन स्थिति भक्त के लिए क्या है. भक्तों ने कहा भक्तों की संगत से जुदा हो जाना. तो हम साधु संगत में रहते हैं इस भावना के साथ कि हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो. और साधु की क्या पहचान, आप इस विषय की चर्चा तीसरे स्कंध में बड़े गहराई के साथ प्राप्त करते हो. भागवतम के तीसरे स्कंध में कपिल देव देवभूति का प्रस्ताव है. देवभूति को पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है. उन्होंने उनसे पूछा आप कहोगे, उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, ये बताओ कि इन क्लेशों से छुटकारा कैसे मिल सकता है. वही भाव जो कि आज के श्लोक में प्रस्तुत किया गया, यही भाव कई श्लोकों में. तो कपिल देव भगवान ने कहा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके उत्तर से पूरे समाज का लाभ होगा. उन्होंने कहा साधु की संगत का लाभ उठाओ. भगवान के पिता ने कहा जो आसक्ति भौतिक कार्यों के लिए है वो ही आसक्ति संतों के लिए रखो. अगर भौतिकवादियों की प्रति आसक्ति रखोगे तो और गहराई के साथ जन्म मिलने के बंधन में हो जाओगे. आजकल आप क्या देखते हो, हमारी आसक्ति है कोई बड़े फिल्म स्टार के प्रति, कोई बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी के प्रति, कोई राजनीतिक नेता के प्रति, ये आसक्ति रखनी चाहिए. मैं किसके प्रति, साधु के संग, साधु की. और साधु की क्या पहचान है कि वो वही संदेश आपको दे जो कि शास्त्र में है. जैसे प्रभुपाद जी ने गीता को प्रकाशित किया यथारूप के नाम से, वही संदेश जो कि भगवान ने दिया हो. तो भगवान के पीला देने का भौतिकवादियों के प्रति आसक्ति नहीं रखो, किसके प्रति, संतों के प्रति.
श्रद्धा के प्रति आसक्ति रखोगे तो आप वही करोगे जो वो बोले, उनसे ज्ञान की भीख मांगोगे। और भौतिक भोजन के प्रति आसक्ति रहेगी तो क्या परिणाम होगा? हम भौतिक कार्य में फिर रहेंगे। तो कपिल देव भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक वालियों के प्रति आसक्ति रखो, और आध्यात्मिक वालियों के प्रति आसक्ति रखोगे तो आप मुक्त हो सकोगे, और भौतिक वालियों के प्रति रखोगे तो और गहराई के साथ बंधन में फंस जाओगे। तो ये इस विषय की चर्चा अनेक स्थानों में की गई है, और भक्तों की इच्छा क्या रहती है कि हमें उत्तम भक्तों की संगत मिले। जैसे जब भगवान ने ध्रुव से पूछा, हे ध्रुव, मेरे कारण तुमने इतनी तपस्या का पालन किया है, तो मांगो मेरे से क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने आरंभ में तपस्या आरंभ की थी इस उद्देश्य के साथ कि मुझे एक बड़ा महान राज्य मिले, मैं अपनी सुतेली माँ को दिखा सकूँ कि मेरा राज्य सबसे बड़ा है पिता के राज्य से भी। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, आज उस तपस्या की आप नकल नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए, पहले महीने तपस्या के हर तीसरे दिन खा रहे थे क्या फल, जो कि जानवर बंदर खाते हैं। दूसरे महीने 6 दिन में एक बार, पहले महीने सूखा घास, दूसरे महीने फल जो बंदर खाते हैं, तीसरे महीने फल भी बंद कर दिया, केवल 9 दिन में एक बार क्या जल। अगर हम आपको कहें कृष्ण भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले महीने में हर तीसरे दिन खाना, अगले महीने हर छठे दिन, आपको अगर हमें तो 3 बार दिन में चाहिए, एक 3 दिन में एक बार तो पूरी। तो ध्रुव बनाने कभी भगवान का रूप बनाया मिट्टी में, इसका चिंतन किया, पंथ को चरण किया, भगवान ने कहा इतनी तपस्या की मेरे लिए, मांगो मेरे से क्या थे। और उन्होंने क्या कहा, अगर आप मुझे तो कुछ वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे उत्तम भक्तों की संगत मिले। उत्तम भक्तों की संगत मिलेगी तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँगा। ये होना चाहिए हमारा भाव, उत्तम भक्तों की संगत। उत्तम भक्तों की संगत मिले हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान मिलेगा इसके उपयोग से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। भगवत में उदाहरण दिया जाता है, मोर जब बादल को देखता है पहली बार वर्षा के मौसम में, तो खुशी में नाचता है। तो यही उदाहरण भगवत में दिया गया है ये स्थापित करने के लिए, जब उत्तम भक्तों की संगत मिले हमें प्रसन्न होना चाहिए। और जब हमारे सम्मान के भक्तों को मिलो, जब मित्रता का भाव, मित्रता का भाव ये है कि हम मिलकर भगवान की सेवा करें। ये मित्रता का भाव बहुत आवश्यक है। ऐसे साधारण स्थिति में हम प्रयास करते हैं ये दिखाने के लिए, हम तुम्हारे से अच्छे हैं, हम सबसे उत्तम भक्त हैं। और मित्रता के भाव में विनम्रता का स्थान आता है। भगवत में भगवान कहते हैं प्रचेतस महाराज परिणाम परिषद के पुत्र थे, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, फिर
भगवान ने कहा मैं तुम सब भाइयों से प्रसन्न हूँ. क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि तो सब भाइयों में एक ही भाव है. क्या भाव? भक्ति हो. तुम सब भाइयों में एक ही भाव है, भक्ति हो. इसलिए मैं तुम सबसे प्रसन्न हूँ. तो भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम सब में एक ही भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव, भक्तियों का भाव. ये नहीं कि हम अहंकार के प्रभाव में आकर ठीक विनम्रता को भूल जाए. हम सब में एक ही भाव होना चाहिए. क्या? मित्रता का. हम एक दूसरे का सहयोग करें, भगवान की सेवा करें. ये है मित्रता का भाव. और ये भाव से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो. तो हम देखते क्या है समाज में? हम समाज में देखते हैं कि हमें जब मौका मिले हम ये साबित करने का प्रयास करते कि हम सबसे उत्तम भक्त हैं, हम सबसे अच्छे हैं. पर हाँ, प्रभु का सिद्धांत क्या है? दास दास, सेवक के सेवक के सेवक के सेवक. उसमें भगवान की ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है? राधपि रोरपि. हम ये श्लोक को, इस श्लोक में ख्याल से हर वक्त कंठस्थ कर लेता है. अगर मैं आपसे पूछ कितने भक्तों ने राधपि से नीचे ना कंठस्थ किया हुआ है, लगभग सब ने. और असली समस्या आती है हम ऐसे उतार नहीं पाते. सच बात है, इसका उतारना मुश्किल बन जाता है. तो ये हमारा प्रयास रहना चाहिए. और बराबर के मित्रों के साथ मित्रता का भाव. और जो हमसे कम ज्ञान रखते हैं उनके प्रति दया का भाव. जैसे हम लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. एक दिन एक दृष्टि से देखा जाए वो कोई छोटी तपस्या नहीं थी. सर्दी का मौसम और मोटरों के बीच में जाना, कितना पोल्यूशन. पर आप लोग इसको सह रहे थे. जैसे पश्चिम देशों में इस समय ठंडी का मौसम है, कई स्थानों में बर्फ है. पर जब भी हमारे भक्त जा रहे हैं प्रचार के लिए, ये कोई छोटी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है. आप लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कल, ये छोटी तपस्या नहीं है, वो भी बड़ी तपस्या थी. पर आप लोग ने किया क्यों? क्योंकि आप लोग ने सुना है कि प्रभुपाद ने कहा अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो. तो प्रभुपाद ने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा. उनके गुरु महाराज ने क्यों ऐसे कहा? ये ठाकुर भक्ति ने कहा. ठाकुर भक्ति ने क्यों कहा? ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा. ठीक है ना? जाने दगोताए कहो. और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों कहा? ये परम भगवान ने कहा है भागवत में. और आज के श्लोक में भी लगभग वही संदेश दिया जा रहा है. ये भगवतम का उपदेश 5000 साल पुराना है. और क्या कह रहे हैं पीतुमार कुमार का स्वागत करते कह रहे हैं आप जैसे संत महात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो केवल एक भाव के साथ कि हमें पतितों का उद्धार करना है. नहीं तो क्या करें? कई लोग सोचते होंगे ये जो गीता बांटते हैं इनको कमीशन मिलती होगी. तो लोग पूछते हैं तो क्या कमीशन मिले? बोलो हाँ हमें कमीशन मिल रही है. वो कहेंगे कितनी? बोलो भगवान की कृपा ये कमीशन प्राप्त करने के लिए
और ये बात सच है. भगवान क्या कहते हैं गीता में, मैं किनका भारी बन जाता हूँ, मैं उनका भारी बन जाता हूँ जो मैं प्रचार करते हैं. भगवान से ज़्यादा प्रिय अगर हुआ है ना हो तो ये भगवान की इच्छा है. श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषिदेव भगवान की शिक्षा प्राप्त होती है. ऋषिदेव भगवान भी अवतार थे और ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध. तो भगवान ऋषिदेव ने एक उदाहरण दिया है. एक बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी अंधे व्यक्ति को देखता है गलत रास्ते में चलते हुए वो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ देता है. तो यही उदाहरण ऋषिदेव जी देते हैं. भगवान ऋषिदेव ने कहा उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति जब देखता है कि लोग अज्ञानता में हैं उनको ज्ञान के द्वारा सीधे रास्ते पर जोड़ता है. तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है. भगवद्गीता के 3वें स्कंद में अर्जुन ने पूछा भगवान से क्या कारण है कि जाते हुए भी हम गलत कार्य कर देते हैं. भगवान ने क्या कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे राजगुण काम के कारण और क्रोध लो. फिर भगवान ने कहा इनका रहने का स्थान कहाँ है. दूसरे शब्दों में ये शत्रु हैं वो उनका प्रभाव कहाँ है, मन में बुद्धि में और इंद्रियों में. इंद्रियों द्वारा ये संदेश मिलता है नेत्रों से गंदी चीज़ों को देखो, कानों से बौद्धिक धुन को देखो. ये जो सेल फोन्स हैं एक एक रूप से देखा जाए ये भगवान की कृपा है कि आप इन सेल फोन्स में ग्रंथों को बिठा सकते हो, भगवान की तस्वीरों को बिठा सकते हो, जब चाहो राधा माधव कृष्ण माधव का दर्शन ले सकते हो. पर दूसरी तरफ से इसका दुरुपयोग भी आप कर सकते हो. आप इन सेल फोन द्वारा गंदी चीज़ों को भी बिठा सकते हो. तो अगर हम सदुपयोग करें तो बुद्धिमान है. तो भक्त जो है चाहता है ये ज्ञान मिले. तो भगवान ऋषिदेव ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति अन्य व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते रहे देखकर ठीक रास्ते में जोड़ देता है. तो साधु संग में रहोगे भक्ति का पालन ज़्यादा सरल हो जाता है. श्रीमद् भागवतम के 3वें स्कंद में अनेक प्रसिद्ध श्लोक हैं जिन्हें भगवान के प्रेरण है. इसी विषय पर बदले ने किया, किस विषय पर साधु संग. और भगवान के गुरुदेव कह रहे भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है. जैसे कल आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे भक्तों के संग में, तो आपको उत्साह ज़रा ऊँचा था. कभी कभी हम अकेले जाते हो तो इतना उत्साह नहीं होता कि नहीं, आपने क्लास में बैठना है अकेले हो तो नींद आ जाएगी. भगवान के संग में बैठोगे तो दूसरे आपको जागने में योग देंगे. तो और प्रभुपाद जी ने सुंदर संस्था बनाई है ताकि हर जगह आपको भक्तों का संदेश मिल सके. तो ये श्लोक में कहा जा रहा है कि भक्तों में के संग में रहोगे तो भक्ति के मार्ग में उन्नति कर सकते हो. कई बार आप देखते हो कि भक्त कहते हैं नहीं हमने मंदिर नहीं जा रहा, हम
घर में ही रहकर सेवा करेंगे, कर सकते हो अगर भगवान के शरण में होना चाहते हो। हमें भक्तों की संख्या हो सकता है, भक्तों की संख्या हो सकता है, भक्तों के संग में रहकर भक्ति का पालन ज़्यादा कठिन हो जाता है। और यहाँ तात्पर्य में प्रभु जी क्या कह रहे हैं, हरे नाम। जब तीसरे स्कंद में भगवान ने कहा मन बुद्धि इंद्रियों में शत्रु निवास करता है, उसके आगे भगवान ने क्या कहा, ध्यान की तलवार से शत्रु का क्या करो, वध कर दो, डिस्ट्रॉय द इटर्नल एनिमी। ये हमारा शत्रु है और शास्त्रों के सहयोग से हम पहचान सकते हैं कौन है शत्रु, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान का अर्थ है किताबों के द्वारा, भगवान क्लास के द्वारा, जो हम ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हो उसके द्वारा आप इसका विरोध कर सकते हो। और भक्तों के संग में रहोगे तो हरि नाम की महिमा का भी ज्ञान मिलेगा। तो ये हरि नाम जो है वो है उपाय इस कलयुग में। और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी आज जाता सर्वत्र पिछड़ा, पृथ्वी के हर कोने में हरि नाम होगा। कहाँ सदाश्रय हो गए, आज दुनिया के कोने कोने में, जैसे कल रथ यात्रा थी, कोने कोने में रथ यात्रा निकलती है, न्यूयॉर्क में निकलती है, फिफ्थ एवेन्यू में, लंदन में निकलती है, लगभग हर प्रसिद्ध शहर और हरि नाम निकलता है। कई शहरों में जहाँ हरि नाम थोड़ा ढीला होता है, लोकल लोग कहते हैं अभी पहले जैसे उत्साहित नहीं हो तुम लोग, हरि नाम सुनने में नहीं आना। एक अभी मैं एक रशिया में एक डॉक्टर को मिलने गया था पिछले साल, तो उससे मैंने पूछा यू नो ISKCON, तो उसने कहा 20 साल पहले एक शहर में वो डॉक्टरेट पढ़ रहा था, ISKCON के भक्त आते थे रोज हरि नाम करने के लिए, तो कह रहा था 20-25 साल पहले मैंने तुम लोगों को देखा था। तो हरि नाम का इतना प्रभाव रहता है, तो भक्तों के संग में आज विश्व के हर कोने में हरि नाम हो रहा है, हर कोने में प्रचार हो रहा है, हर कोने में गीता का अध्ययन हो रहा है। 2 महीने पहले रशिया में था, तो मैंने एक भक्त से पूछा तुम भक्त कैसे भक्त, तो ये भक्त जो है रशिया में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो उस चर्च में अगर प्रचारक बनना है तो 5 साल का कोर्स होता है, उससे पहले वो किसी को पादरी बनने नहीं देते। तो इसने 4 साल कर लिया था, अभी फाइनल ईयर में था और किसी ने उसे भगवद गीता दे दी, तो अब मानोगे नहीं, उसने भगवद गीता पहले तो थोड़ी देर पढ़ा वो कॉलेज में, इतना प्रभावित हो गया वो उस गीता के संदेश से कि उसने छोड़कर हरे कृष्ण भक्त कर दिया। ऐसे पहले बता तो यह है गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए, तो हरि नाम का उच्चारण और ज्ञान की तलवार से ज्ञान को दूर करो। ज्ञान का क्या अर्थ, शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों को सुनना, इस ज्ञान के योग से अज्ञानता दूर हो सकती है। अगर नहीं होता संभव तो आज आप सब यहाँ होते, आप सब एक समय अज्ञानता में थे। ओम अज्ञान दिव्य अंधस्य, जन्म होता अज्ञानता में, तो साधु गुरु की संगत में आकर अज्ञानता दूर होती है। तो परीक्षित महाराज सॉरी प्रीति महाराज बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, बड़े आदर के साथ उन्होंने कुमार का स्वागत किया, चरण धोए, कहा कि क्या भाग्य है हमारा। जब चैतन्य महाप्रभु
कुर्मा ब्राह्मण के घर में गए, उन्हें भी उनके चरण धोए। तो वो फिर वो क्या कह रहे, आप जैसे जो संत महात्मा हो वो निष्काम भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहते हो, और किस भावना से, एक ही भावना कि लोग इस शिक्षा को अपनाएं और जीवन सुधरेगा। हम भगवद गीता क्यों बांट रहे हैं, एक ही भाव से गीता पढ़ेंगे। तो आप कई बार हमारे मन में ये विचार आता है, आजकल कलयुग का बहुत गहरा हो गया है, उनकी रुचि नहीं है। अगर रुचि नहीं होती तो 4,000 लोग का गीता लेते आपसे, 4,000 लोगों ने लिया, सड़क में लोग एक ही गीता लेते हैं। अच्छा, तो 4,000 लोगों ने दो दिन में गीता क्यों नहीं, उनकी थोड़ी रुचि है। आप घर घर गए, अगर आप यहाँ मंदिर में बैठे रहोगे और ना देखोगे, जिसको गीता चाहिए मंदिर में आ जाए, जिसको घर जाए लेने का आ जाए, हम क्यों जाए मंदिर। इतनी किताबें नहीं बिके, इतने भटेंगे। पर भक्तों में यह उत्साह रहता है कि नहीं, लोग नशे में हैं पर हमने उनका उद्धार करना है। इसलिए जैसे श्लोक के तात्पर्य में कहा गया, वो प्रयास करते हैं संदेश को आगे पहुँचाने के, और इस प्रकार ये संदेश के साथ कई श्लोक हैं जिन्हें इसी प्रचार इसी प्रकार का संदेश दिया जा रहा है। तो कृत महाराज मानस को आदर दे रहे हैं और कह रहे हैं, आप जैसे भक्त लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, और जो आग में जल रहे हैं एक दूसरे ध्यान से देखा जाए, हम सब बड़ी भयंकर स्थिति में। और कलयुग में क्या अनुभव है, क्लेश बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, चिंता तनाव। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाती हैं और लोग, हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब नौकरी के लिए जाओ तो क्या दिखता है, सॉरी नो वैकेंसी। अभी है टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी से आ रही है। टेक्नोलॉजी के पीछे भाव क्या रहता है, कब लोगों को नौकरी मिले। वही टेक्नोलॉजी से जितना अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा है उतना किसी क्षेत्र में नहीं बन रहा। तो ये है कलयुग, यहाँ की हरे के मन में यही लाभ भाव है, हम धनी बने, हम कमाएं, किसी समाज का क्या होता है उसकी कोई चिंता नहीं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त जो है घर घर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, केवल एक ही उद्देश्य के साथ लोग सुखी बने, और वो जानते हैं कि असली सुख प्राप्त होगा आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। राजा विद्या राजा विद्या, और भगवत में जब हम ये विचार पढ़ते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ जाता है। हम कहते हैं भगवत में ये संदेश दिया गया है तो गलत नहीं हो सकता, ये तो भगवत में प्रीतु महाराज कह रहे हैं कि जो संत हैं वो एक साथ दूसरे साथ जाते हैं केवल दूसरों का उद्धार करने को। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, अच्छी साधना रखें, पवित्रता के द्वारा शक्ति आती है इन नियमों का पालन करने के लिए। और जब हम प्रयास करेंगे तो बिना शंका के कामयाबी भी प्राप्त होगी। पापा जी कहते थे, आप एक कदम उठाओ कृष्ण की तरफ, कृष्ण 10 कदम उठाएगा। और प्रयास करना हमारा फर्ज है। कुछ दिन पहले हम लोग की मीटिंग थी अहमदाबाद में, हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने 2 वीडियो दिखाए थे हमें। एक वीडियो था क्रिश्चियन लोगों का
एक था मुसलमानों का, तो उसमें क्रिश्चियन लोग, आजकल भारत में क्रिश्चियनिटी के दो चैनल हैं जो दिन रात चलते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, ये आदमी उसका नाम अरुण था और उसका नाम जॉन बना दिया और वो क्राइस्ट के पास आया, बीमारी दूर हो गई। इस प्रकार लोगों का मन बदलते हैं। वो कई मुसलमान प्रचारक हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली है, श्लोकों का बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण करते हैं इसलिए दृष्टि से बताने के लिए ये सिद्धांत गलत है, और हिंदू लोग प्रभाव में आ जाते हैं। तो आज इस वैदिक शिक्षा के प्रचार की बहुत आवश्यकता है, पहले से भी ज्यादा। जितना कन्वर्जन आज हो रहा है भारत में, उतना अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ। अंग्रेजों के राज्य में आज के मुकाबले में 5% हो रहा था कन्वर्जन, आज 90% बढ़ गया अंग्रेजों को निकालने के बाद। तो इस्कॉन के भक्त जाते हैं, प्रचार करते हैं। अभी हमने एक नई योजना शुरू की है, ट्राइब्स, तो गांव के लोग हैं उन्हें भी प्रचार किया जा रहा है। आप अगर अरे मिजोरम नाम सुना है, कहाँ है, भारत में है कि चाइना में? नागालैंड नाम सुना है, कहाँ है नागालैंड? भारत में ही है। पर आप मिजोरम और नागालैंड धोती कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, रशिया में जा सकते हो, अमेरिका में जा सकते हो, पर मिजोरम और नागालैंड में कोई आपको धोती कुर्ते में देखेगा तिलक में तो पत्थर मारेगा, वो स्थिति है। तो आश्चर्य सुनकर है कि नहीं, तो ये असलियत है। तो इस्कॉन के भक्त प्रयास कर रहे, अभी हर कोने में जा रहे हैं, ये गीता का संदेश लेगा, गीता का संदेश, शांति का संदेश, गीता का संदेश के द्वारा चरित्र बोलेगा। हमारी एक और योजना है, बिजनेस कॉरपोरेट्स में हम अभी गीता का उपदेश देते हैं, तो वो लोग गीता पढ़ेंगे, गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल, और गीता का संदेश हमें खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। तो बड़े उत्साह के साथ हमें इस मैराथन में जुड़ना चाहिए। असल में माया का मैराथन तो 12 महीने रहता है, ये 1 महीने रहता है, हमारा मैराथन भी 12 महीने रहना चाहिए, 13 महीने रहना चाहिए, माया से एक कदम आगे होना चाहिए, है ना, माया को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो चाहे कितनी भी शिक्षा हो, आगे हमें प्रचार करना चाहिए। बाबा जी कहते थे, ये आप कुछ संदेश दोगे लोग सुनेंगे भूल जाएंगे, और गीता में एक श्लोक ये कोई अपना ले, उसका पालन करे, जीवन सफल हो सकता, इतनी शक्ति है। और आप सब गीता को खुद पढ़िए और बांटिए। हरे कृष्ण।